वसंत मास चल रहा है और वसंत मास को मधुमास भी कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह मास हर जीवन में एक खुशहाली लाता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सभी में एक खुशी का आलम होता है। हरियाली ही हरियाली होती है, खेतों में सरसों की पीली जो रंगत होती है वो खुशहाली लाती है और खुशहाली का मास मधुमास कहलाता है। हमारे आध्यात्म जीवन में भी ऐसा ही मास आए जिसमें प्रभु की प्राप्ति हो और खुशहाली जीवन में हो जाए, ऐसा ही मास है मधुमास। इस मास में भागवत कथाओं के दौर चलते हैं, रामायण कथाओं के दौर चलते हैं, नानी बाई का मायरा होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान का एक बड़ा परम प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है और ये कथा बड़ी दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरोति भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। संतों ने और शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि प्राणी के जीवन में जब कोटि कोटि जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब उसको भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। तो यहाँ बोरा गणेश जी भगवान के निकट में गणपति नगर में ये आयोजन बोरा गणेश जी मेन रोड पर गणपति नगर के अंदर ये आयोजन आज शुरू हो रहा है। आज 12 तारीख से ये आयोजन शुरू हुआ है और 18 तारीख तक निरंतर तक चलेगा। तो मैं सभी को निवेदन करूँगा जहाँ तक ये संदेश पहुँच सके सभी कथा का लाभ लेने यहाँ गणपति नगर पधारें। कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रखा है रोजाना। आज बड़े अच्छे महिलाओं ने यहाँ शोभा यात्रा निकाली और बड़े प्रेम से पोथी जी की स्थापना हुई और हम उसके साथ में कथा का शुभारंभ हो रहा है। 3 बज चुके हैं, कथा का समय हो गया, श्रोताओं का आना शुरू हो गया है, हम कथा की ओर जा रहे हैं। आप सबको सादर आमंत्रण, जरूर जरूर कथा में पधारिएगा। गणपति नगर बोरा गणेश जी मेन रोड गणपति नगर में 3 बजे से 6 बजे तक। जय श्री राधे। उमापति महादेव की जय, राम सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी पूजा के लिए आप आ जाओ। बोहरा गणेश जी एरिया के अंदर भागवत कथा हो रही है। वृंदावन के गुरु जी आए हैं, उन्होंने वो कथा कर रहे हैं और यहाँ का समय 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। कृपया आप सभी पधारें, आपसे अनुग्रह है और भागवत कथा का आनंद उठाएं। हमारे साथ में महाराज जी हैं। किस तरह से जीवन में खुशहाली मधुमास लाता है और वाकई में किस तरह का आध्यात्मिक जीवन एक व्यक्ति को सफल कर सकता है? देखो, मेरे समझ में जो है ना, सत्संग यदि प्राणी के जीवन में मिले तो नित्य बसंत का एक स्वरूप है। और बसंत माने प्रसन्नता। आपने ठीक कहा कि बसंत ऋतु जीवन में आती है। बसंत ऋतु तो महात्माओं की ही एक कृपा का नाम दिया है और आध्यात्मिक ये महीना है। पूरी तरह से परमात्मा का गुणगान करना, नामगान करना, भगवान की कथा सुनना, सत्संग करना, सामाजिक कार्य करना, परोपकार करना, ये सब इस प्रसन्नता के प्रतीक हैं। बसंत हमारे जीवन में एक परम प्रसन्नता, क्योंकि इसी महीने में होली आती है, जो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसा ये त्यौहार है जो बसंत के महीने में ही आता है। तो परम प्रसन्नता से भरा हुआ है बसंत, और इस बसंत में हमारे जीवन में वास्तविक बसंत आए उसके लिए भगवान की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतों की संगत को ही बसंत ऋतु की उपमा दी गई है। जहाँ संत महात्मा रहते हैं, जहाँ भगवान का नाम गुणगान किया जाता है, उस पूरे वातावरण को बसंत की उपमा दी है। तो बसंत हमारे जीवन में आए उसके लिए सत्संग अनिवार्य है। बड़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा तेरा जय पुर जय मेरा, मन तन संकट मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित जय बसु सुर हो।
की जय, उमापति महादेव की जय, परम सत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी पूजा के लिए आप आ जाओ। वासुदेव सुतं देवं वंशचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वन्देवाय गोब्रह्मणोपाय च जगद्गीताय श्रीकृष्णाय वशिष्ठाय नमो नमः। ओम आरती ध्यान कर मुरली बजे आती, आरती कृष्ण कले आती, यशोदा गोद तिले आती, आरती कृष्ण कले आती, यशोदा गोद तिले। कृष्ण तुम मथुरा जन मिलियो, नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण तुम यशोदा के जिया, कब बल दाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के जिया, कब बल दाऊ के भैया, आरती कृष्ण कले आरती। तेरी आरती गा, तेरी आरती।
पूरी भागवत कल्याण की जय। बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरु भगवान की। जय जय गोपाल जय।